मोदी ने लगाया बनिया वाला दिमाग, चौंक उठी दुनिया। भारत सरकार की सोच को सलाम, गरीब देशों की मोदी को है चिंता। नेपाल बॉर्डर पर भारत का बड़ा एक्शन, रोक लिए गेहूं के 20 ट्रक। दोस्तों, हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि भारत सरकार ने गेहूं के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है और इसकी वजह से पूरी दुनिया भारत का विरोध कर रही है। लेकिन यहां पर भारत ने जिस तरीके का पॉलिटिक्स खेला है वो पॉलिटिक्स से दुनिया नहीं समझ पा रही है। लेकिन भारत सरकार ने यहां पर बनिए का दिमाग लगाया था, क्योंकि यह बात भारत अच्छे से जानता था कि इस समय भारत इस काबिल है कि वह पूरी दुनिया को गेहूं दे सकता है। लेकिन भारत के दिमाग में उस समय कुछ और चल रहा था। वहीं आज नेपाल के बॉर्डर पर भी गेहूं रोक दिया गया है। जानेंगे सभी बातों को डिटेल में, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों, आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि यह दुनिया कितनी ज़्यादा चालबाज है, और ये बात आप कल की ही वीडियो में समझ गए होंगे। जब यहाँ पर भारत को तकलीफ हो रही थी तो अमेरिका कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन भारत के एक कदम से अमेरिका को ऐसी तकलीफ हुई कि अमेरिका ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस चीज़ से आप समझ गए होंगे कि दुनिया सिर्फ अपने मतलब की है, फिर उसको फर्क नहीं पड़ता कि किसी को कितनी तकलीफ हो रही है या नहीं। दोस्तों, भारत ने गेहूं के ऊपर प्रतिबंध इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर भारत यह चीज़ अच्छे से समझ गया कि गेहूं की जो इस समय कीमत है वह आसमान छू रही है, और भारत इस समय नहीं चाहता कि भारत अपने गेहूं को इतना कम रेट में पूरी दुनिया को दे दे। क्योंकि भारत यहां पर यह बात अच्छे से जानता है कि बड़े बड़े देश भारत से गेहूं खरीदकर अपने स्टॉक में रख लेंगे। आप भी यह बात अच्छे से जानते होंगे कि गेहूं पैदा होने में एक साल का समय लग जाता है। एक बार जो गेहूं पैदा हो जाता है, फिर वह गेहूं अगले साल ही पैदा होता है, जिसकी वजह से यहां पर गेहूं का रेट बढ़ता चला जा रहा है। एक सबसे बड़ा कारण गेहूं का रेट बढ़ने का रूस और यूक्रेन का युद्ध है। आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि रूस और यूक्रेन ये दोनों देश गेहूं एक्सपोर्ट मार्केट में अपनी कितनी ज़्यादा भागीदारी रखते थे, लेकिन अभी यह दोनों देश एक दूसरे से आपस में लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में खाद्य संकट पैदा हो रहा है। जैसा कि आपको पता भी होगा, पहले से ही भारत बिना कुछ सोचे समझे गेहूं सभी देशों को दे दिया करता था। लेकिन यहां पर भारत ने अब दिमाग लगाया है, क्योंकि भारत ये बात अच्छे से जानता है कि भारत दुनिया की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकता है। लेकिन यहां पर जो बड़े देश है वे गेहूं की जमाखोरी करेंगे और गेहूं को अपने स्टॉक में रख लेंगे, और फिर गरीब देशों को काफ़ी महंगे दामों में वे गेहूं बेचेंगे। दोस्तों, जमाखोरी के मामले में यूरोप के देशों का नाम काफ़ी पहले से ही खराब है। आप ये बात जानते होंगे कि कैसे पहले भी हमें देखने को मिला है कि यूरोपीय देश जमाखोरी करके बाद में उन्हीं चीज़ों को महंगे दामों में बेच दिया करते हैं, और इस काम में चीन भी पीछे रहने वालों में से नहीं है। आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि चाइना भी काफ़ी अच्छी मात्रा में गेहूँ पैदा करता है। लेकिन आपको हम बता दें कि यहाँ पर चाइना भी इस मामले में पीछे नहीं है, यहाँ पर चाइना भी गेहूं की जमाखोरी किया करता है। दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से ये बोल दिया गया है कि भारत सरकार ने जो गेहूं के ऊपर प्रतिबंध लगाया है वह इसीलिए लगाया था कि भारत सरकार जरूरतमंदों तक गेहूं पहुंचा सके। यहां पर भारत सरकार ने कह दिया है कि हमने जो गेहूं के ऊपर प्रतिबंध लगाया है वह अनियमित तरीके से बेचे जाने वाले गेहूं पर प्रतिबंध लगाया है, इसलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। भारत में जो व्यापारिक लोग हैं वे खेतों से गेहूं उठा लिया करते हैं एमएसपी और सरकार से ज़्यादा दामों पर यहां पर गेहूं खरीद लेते हैं, और यहां पर आप इनकी यह चाल भी अच्छे से समझ गए होंगे कि जो भी व्यापारी ये गेहूं उठा रहे हैं तो वो क्या सस्ते दामों में गरीब देशों को गेहूँ बेचेगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर यह व्यापारी यही गेहूँ अमीर देशों को बेचेंगे और अच्छे मुनाफे में बेचेंगे, और यहाँ पर व्यापारियों ने दिमाग लगा लिया था कि किस तरीके से उसे अपना मुनाफा निकालना है, वह भी काफ़ी अच्छी मात्रा में। यही वजह है कि यहाँ पर मोदी सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा दुनिया को बता दिया गया है कि भारत ने जो ऐसा कदम उठाया है उससे दुनिया को चार फायदे देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला फायदा यह होगा कि भारत में अब फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर लिया गया है, और इसका दूसरा फायदा उन गरीब देशों को मिलने वाला है जिनको गेहूं की जरूरत होगी, वे सीधे भारत से कॉन्टैक्ट करेंगे और भारत सरकार उन्हें गेहूं दे देगी, और तीसरा इसका फायदा यह होगा कि भारत ने पूरी दुनिया के अंदर रिलायबल सप्लाई होने का एक और संदेश दिया है। इसको लेकर भारत ने कह दिया कि पहले गेहूं किसको बेचा जाता था यह पता नहीं चलता था, यह गेहूं जरूरतमंद लोगों को दिया जा रहा है या जिसको जरूरत नहीं है,
उनको दिया जा रहा है। लेकिन भारत के इस उठाए कदम से अब गेहूं सिर्फ जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचेगा। अब जिसको जरूरत होगी वह सीधे भारत सरकार से संपर्क कर सकता है और उन्हें भारत सरकार द्वारा तत्कालीन गेहूं मुहैया करवाया जाएगा। और भारत के उठाए कदम से चौथा फायदा यह होगा कि यहां पर भारत उन्हीं देशों को गेहूं देगा जिनको सच में जरूरत है, और इससे भारत महंगाई को भी कंट्रोल कर पाएगा। और यही है मोदी के बनिए का दिमाग, जिसने भारत में गेहूं के ऊपर प्रतिबंध लगाकर भी रिलायबल सप्लायर का दर्जा भी हासिल कर लिया है। इसके अलावा खबर ये निकल कर आ रही है जिसमें यह पता चलता है कि भारत से नेपाल की सीमा पर 20 गेहूं के ट्रक रोक दिए गए हैं। इस 20 ट्रकों के अंदर गेहूं भरा हुआ था। आपको बताते चले, हर दिन 40 कैरेट भारत से नेपाल सीमा के अंदर जाते हैं, लेकिन भारत सरकार ने यहां पर 20 ट्रक रोक रखा हुआ है। यहां पर भारत सरकार को इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ शक होगा। इसको लेकर भी सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है आखिर भारत सरकार ने इसको क्यों रोक रखा है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि इसको भी लेकर भारत सरकार जल्दी कुछ ना कुछ खबर जरूर देगी। वहीं दूसरी तरफ चीन के प्रधानमंत्री ली कचियांग और उनके पाकिस्तानी समकक्ष शहबाज शरीफ के बीच सोमवार को हुई पहली बातचीत में पाकिस्तान में कार्यरत चीनी नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने और 60 अरब डॉलर की चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया गया। खबरों के मुताबिक पिछले महीने कराची विश्वविद्यालय में आत्मघाती हमला होने के बाद से CPEC परियोजना के लिए पाकिस्तान में तैनात बड़ी संख्या में चीनी कामगारों ने देश छोड़ना शुरू कर दिया। हमले में चीनी भाषा के 3 शिक्षक मारे गए थे और एक अन्य घायल हो गया था। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि शरीफ ने टेलीफोन पर हुई बातचीत में ली को पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों के लिए सुरक्षा बढ़ाने का आश्वासन दिया। पिछले कुछ वर्षों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी समूहों और बलूचिस्तान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे संगठन के हमलों में कई चीनी कर्मियों की मौत हो गई। चीनी कर्मियों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान सेना ने अलग ब्रिगेड का गठन किया। शरीफ ने भी ली से कहा कि पाकिस्तान अपने यहाँ सभी चीनी संस्थानों और नागरिकों के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करेगा ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। ली ने कहा कि कराची में चीनी नागरिकों पर हाल ही में हुए हमलों से चीन स्तब्ध और आक्रोशित है। कराची विश्वविद्यालय में कन्फ्यूशियस संस्थान के निदेशक डॉक्टर नासी उद्दीन ने कहा कि चीनी शिक्षकों का जाना मंदारिन सीखने वाले छात्रों के लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने कहा संस्थान में मंदारिन भाषा सीखने वाले 500 छात्र हैं। अब उनके लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने पर विचार कर रहे हैं ताकि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। समाचार एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया जानकारी के आधार पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में निर्माण परियोजनाओं पर काम कर रहे चीनी कर्मियों पर हमले की साजिश रचने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। गिरफ्तारी की घोषणा बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवाद निरोधी विभाग ने की। महिला बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की सदस्य है। दोस्तों, मोदी ने जिस तरीके के साथ पूरी दुनिया वालों के साथ पॉलिटिक्स खेली है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जय हिंद।